अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद असद। आज हम यूनिट 14 सर्कल्स एक्सरसाइज 14A शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो मैंने सर्कल्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बनाई है, तो वो आप लाजमी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सर्कल को डिटेल से डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आप ये वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो सवाल नंबर 3 है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। 2.8 के हम कंपास खोलेंगे। कंपास खोल के आपने सर्कल ड्रॉ करना है 2.8 सेंटीमीटर रेडियस का, हमें रेडियस गिवन है, सही है। अब उसने बोला कि ड्रॉ टू ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर। अब आपने सेंटर को छोड़ के बाकी दो जगह पे आपने कॉर्ड्स ड्रॉ करने हैं, सही है। ये आप एक इधर ड्रॉ कर लें और एक इधर ड्रॉ कर लें, या तो आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं या इधर भी, लेकिन सेंटर को छोड़ देना, क्योंकि उसने सवाल में स्पेसिफाई किया है कि कॉर्ड्स नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कॉर्ड्स जो सेंटर से पास ना हो, फिर वो कैसे भी पास हो, इधर से हो या ऐसे हो, सही है। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर इज ओ, टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल। अब हमें डायमीटर गिवन है और हमें पता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो हम डायमीटर को डिवाइड करेंगे 4.2 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2.1 सेंटीमीटर आंसर आएगा। अब आपने 2.1 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। उसने बोला है मार्क इट्स सेंटर इज ओ, सही है, टेक अ पॉइंट पी ऑन द सर्कल, मेजर ओ पी, टेक एन इंटीरियर पॉइंट क्यू। आप क्यू को आप इंटीरियर पॉइंट में ऐसे लेके जाए, यह आपका बन गया क्यू, सही है। उसके बाद है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओ पी एंड ओ क्यू। अब देखें ओ पी तो हमें पता है 2.1 सेंटीमीटर की, क्योंकि सेंटर से उसका ये देखें ये तकरीबन 2.1 सेंटीमीटर की आ रही है, लेकिन ये छोटी होगी, सही है। ये देख रहे हैं ये तकरीबन 1.34 की है, तो हम लिख देंगे कि ओ पी इज ग्रेटर देन ओ क्यू, ये इसका रिलेशन, यानी ओ पी की लेंथ बड़ी है ओ क्यू से। अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, टेक अ पॉइंट ओ ऑन अ पेज ऑफ योर नोटबुक। ओ लेने सेंटर पॉइंट, विथ ओ सेंटर ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसका पहला रेडियस है 2.2 सेंटीमीटर। पहले हम 2.2 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स, आपने कंपास को ध्यान से पकड़ना है ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, सही है। अभी कंपास डिस्टर्ब हो गई थी, इसी वजह से गलत बन गई थी फिगर। 2.2 आपने पहला सर्कल ड्रॉ करना है। अब एंड द अदर विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है, सही है, लेकिन आपने सेंटर इसका यही लेना है। ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर का सर्किल बड़ा वाला। अब उसने आगे बोला टेक अ पॉइंट ए ऑन द आउटर सर्किल। ये पॉइंट आपका आउटर सर्किल, ये इनर सर्किल या आउटर सर्किल, बाहर वाला ए ऑन द आउटर सर्किल। सेंटर को हम हमेशा ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्वाइन ओ एंड ए, सही है। लाइन को आप थोड़ा क्लियर कर लें। मार्क द पॉइंट वेयर ओ इंटरसेक्ट द इनर सर्किल, कि जहाँ जिस इनर सर्किल से वो मीट हो रहे हैं या गुजर रहे हैं, उधर उस पॉइंट को आपने बी से मार्क करना है, उसको बी नाम देना है। उसके बाद बोले नाउ मेयर द लेंथ ऑफ बी ए। अब बी ए की लेंथ को मेयर करने के लिए, अब देखिए हमें फर्स्ट रेडियस गिवन था 2.2 सेंटीमीटर और सेकेंड रेडियस गिवन था 4 सेंटीमीटर, तो हमें बी ए फाइंड आउट करने के लिए आर टू में से, यानी रेडियस टू में से रेडियस वन को माइनस करना पड़ेगा। रेडियस टू गिवन है 4 सेंटीमीटर और आर रेडियस वन गिवन है 2.2,
तो जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1.8 सेंटीमीटर, यानी बी ए की लेंथ 1.8 सेंटीमीटर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। स्टूडेंट्स में बोला कि ड्रॉ अ सर्कल विथ ओ एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपने कंपास खोल के एक सर्कल ड्रॉ करना है। कंपास को आपने एक्यूरेट खोलना है, सही है, डिस्टर्ब नहीं होने देना। आज कंपास डिस्टर्ब हो रहा है मेरा, सॉरी। स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, आपने कोशिश करनी है कि पेंसिल, आपकी पेंसिल वो इससे छोटी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप यूँ पकड़ते हैं तो ये चीज़ टच होती है आपके हाथ में, तो जिसकी वजह से आपका आपकी फिगर गलत बनती है। टेक अ पॉइंट ए ऑन द सर्कल, ये तो हमारा हो गया ओ, सही है, और इसको हमने कह दिया ए। टेक अनदर पॉइंट बी ऑन द सर्कल सो डेट ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस तरह लेना है कि ए ओ बी 60 डिग्री का हो। तो हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे और ओ पे रखेंगे सेंटर पे। 60 डिग्री कहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे, सही है। अब आपने स्केल लेना है। देखिए आपने लाइन को सर्कल से बाहर नहीं करना, लेकिन उसकी सीध में लेके जाना है। ये देखें, अगर हम यूँ बाहर लेके जाएंगे तो ये इससे मीट कर देगी। ये आपका आ गया एंगल 60 डिग्री का। ज्वाइन ए एंड बी, इसको आपने नाम दे दिया बी का, और उसने बोले ज्वाइन कीजिए ए और बी को, तो हमने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ए एंड बी, मेयर्स ओ ए ओ बी एंड ए बी आर द इक्वल। अब देखें ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने रेडियस लिया था 3 सेंटीमीटर का, सही है। अब ये देखें, ये भी 3 सेंटीमीटर है। जब तीनों साइड्स इक्वल हो तो उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ओ ए हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू ओ बी एंड इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी, यानी ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। दिस ट्रायंगल इज अ, या दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।